विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में नगर परिषद के कूड़ा कचरा संग्रह केंद्र में शाम के समय अचानक आग लग गई और आग लगने के कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। हालांकि इस कूड़ा संयंत्र केंद्र के आसपास रिहायशी घर भी हैं, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत नगर परिषद को सूचित किया और उसके पश्चात फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और पानी की बौछारों के साथ आग पर काबू पाया गया। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में नगर परिषद के कूड़ा कचरा संग्रह केंद्र में शाम के समय अचानक आग लगी और आग लगने के कारण चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। हालांकि इस कूड़ा संयंत्र केंद्र के आसपास रिहायशी घर भी हैं, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत नगर परिषद को सूचित किया और उसके पश्चात फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और पानी की बौछारों के साथ आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करना बाकी है, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काफी मुशक्कत के बाद काबू पा लिया। सर, कुछ समय से पहले 3:30 के करीब ना ये आग लगी यहाँ पे कूड़ेदान में। ये एमसी का एक एरिया है, ये कमेटी एरिया, यहाँ पे कूड़ा डंप होता है, वहाँ पे आग लगी यहाँ पे, इसलिए बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे गाड़ी भी आई है, आग वाली फायर वाले भी आए हैं, कर रहे हैं अपना काम। हमें एमसी ऑफिस से कॉल आई कि जो हमारा सूखा कचरा है वहाँ पे आग लगी है, तो हम तुरंत मौके पर पहुँच गए। यहाँ पे हमारी गाड़ी है जो लगातार आग को बुझा रही है और हमारे कर्मचारी भी जो आग को कंट्रोल करने जा रहे हैं, जिसमें अभी नुकसान का हम अनुमान बाद में लगाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है और कितनी हम इसी सूखे कचरे को बचाएंगे और कितनी संपत्ति का जो हमने ब्यौरा बनाना है बाद में बनाना, कि कितनी हमने संपत्ति बचाई है और कितना नुकसान हो चुका है, इसका हम अंदाज़ा बाद में बता सकते हैं अभी।